तो हाल ही में मैंने एक फिल्म देखा और उसको देखकर मुझे इस फिल्म की याद आ गई, क्योंकि मैंने इस फिल्म को बहुत साल नहीं बहुत वक्त पहले देखा था और मैं देखकर भूल भी गया था, पर इस फिल्म ने मुझे कहीं ना कहीं, यानी कि मैंने जो अभी हाल ही में देखा उसको देखकर मुझे इसकी याद आ गई और मुझे लगा कि हाँ, इस फिल्म को लेकर तो मुझे ज़रूर चर्चा करनी ही चाहिए और आपको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म एक खास फिल्म है और इसको आपको जानना तो ज़रूरी ही है, वो भी खासकर उनके लिए जिनको क्राइम मिस्ट्री फिल्म देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर इस फिल्म की कहानी एक ट्रेन की, जहाँ पर एक डिटेक्टिव भी होता है और उसी के रहते हुए उस ट्रेन में एक मर्डर हो जाता है। तो आखिर उस मर्डर को किसने किया और क्या ये डिटेक्टिव ये केस जो है उसको सॉल्व भी कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी सारे यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स या फिर लोग देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे शक के घेरे में हैं और यहाँ पर किसी एक को क्रिमिनल्स या फिर अपराधी साबित कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो असली कल्प्रिट कौन है और किसने ये क्राइम किया है और क्या ये डिटेक्टिव उसको सॉल्व भी कर पाएगा या फिर नहीं, वो भी यानी कि ट्रेन के पहुंचने से पहले पहले, यही हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। तो फिल्म की कहानी की मैं बात करूं या फिर इस फिल्म की स्टोरी को जिस तरीके से यहाँ पर इस फिल्म में रिप्रेजेंट किया गया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही कमाल है। और इसके अलावा यहाँ पर इस फिल्म में जो स्टार कास्ट हमें देखने को मिलती है वो तो कमाल ही है, सबकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है और यहाँ पर जो उनका परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा दमदार तब हो जाता है जब यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर्स पे सबकी सुइयां घूमने लगती हैं और जिस तरीके से जो हमें सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि हर इंसान शक के घेरे में है और यहाँ पर हर इंसान पर शक की नज़र से डिटेक्टिव देखता है, लेकिन यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर कल्प्रेट समझना या फिर उसको पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर हर एक इंसान जो है उस पर कोई ना कोई ऐसा मतलब सिचुएशन बनता ही बनता है जिससे लगे पक्का इसने ही किया होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ छुपाया नहीं गया है, सभी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पर खुली किताब की तरह रखी गई हैं, फिर भी आप कल्प्रेट को नहीं पकड़ पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितनी भी जो मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्में देखी हैं आज तक, और जो मुझे यहाँ देखने को मिला जो एंड में मिस्ट्री रिवील होती है, वो मेरे लिए सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी फिल्में देखी हुई है ना, मतलब इसमें जो मिस्ट्री रिवील होती है सच बताऊँ तो इससे पहले मैंने इस टाइप का कभी भी कुछ भी देखा ही नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके का मिस्ट्री रिवील होता है वो एक तरीके से हम सबके लिए, मेरे लिए तो था ही जब मैंने फिल्म देखी थी, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज ही होने वाला है। तो यहाँ पर जिस तरीके से शक की सुई सब पे घूमती है और जिस तरीके से हमें जो सिचुएशंस, जो पास्ट, जो बैक स्टोरी भी दिखाई गई है और सभी कैरेक्टर्स के बारे में जिस तरीके से हमें फिल्म में बताया जाता है, जो जिस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है, जिस तरीके की दमदार एक्टिंग हमें देखने को मिलती है, तो हम किसी एक पर ऐसा बोल नहीं सकते कि पक्का ये होगा या फिर वो, और बाकी एक्टिंग तो दमदार है ही है, किसी को पकड़ पाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से हमें जो मिस्ट्री एंड में दिखाई गई है, खुलता है जब मिस्ट्री, वो भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। फिल्म की जो स्टोरी है और उसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा दमदार है और स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा टाइट है, जो कि आपको बांधे रखेगी, आपको हिलने तक का मौका नहीं देगी। और जो इस टाइप की फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, हालांकि बाकी भी इस फिल्म को उतना ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आप इस फिल्म को सबके साथ बैठ कर देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है। फिल्म हिंदी में अवेलेबल है और हाँ, मुझे फिल्म पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखना, अगर नहीं देखोगे तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जोहार।